अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पिछले दिनों से बहुत सी टेंशनें थी, इलेक्ट्रिसिटी टेंशन थी, अभी रिसेंट एक पेट्रोल टेंशन थी। लेकिन जो ये लोग आपको टेंशन दे रहे थे, आज रिसेंट सुनने में आया कि उनके लिए भी एक टेंशन की बात स्टार्ट हो गई है। हमारे चीफ जस्टिस ने जाते हुए NRO रिवर्स कर दिया है। NRO रिवर्स का मतलब ये है कि उन सब के केसेस जो एक पार्लियामेंट से लॉ के ज़रिए बंद हुए थे, वो केसेस रीओपन हो जाएंगे। अब उनकी भी दौड़े लगेंगी, कुछ FIA के चक्कर लगाएंगे, कुछ एयरपोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कुछ वीज़े रीन्यू करवाएंगे। तो चले आए दानियल से बात करते हैं कि हमारा मुल्क क्या मुल्क है कि जहाँ एक टाइम पर रात को अदालत खोल के एक गवर्नमेंट को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है और उसी रात को वही अदालत जाते हुए कुछ ऐसे डिसीजन कर जाती है। ये कौन लोग हैं जो बैठ के ऐसे सोचते हैं, पहले कि वो NRO देते हैं, जब मुल्क एक बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे आ जाता है तो उस NRO को रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जी दानियल, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज आपका टॉपिक बड़ा मज़े का, ठीक है। उसमें ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि ये पहली खबर होगी जब जिन लोगों ने हमें टेंशनें दी, आज उनके लिए कुछ रात को नींद नहीं आएगी उनको। तो देखिए, बात ये है कि जो उन्होंने खुद साख्ता NRO लिया था पार्लियामेंट से ही, तो उस फैसले को रिवर्ट किया है चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते। चले देर आए, दुरुस्त आए, कुछ तो किया जाते रहते पब्लिक के लिए। अब उस फैसले में भी एक जज साहब ने, जो हमसे बड़े हैं, इंटेलेक्ट में काफ़ी हमसे आगे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने लिखा है कि इख्तलाफी नोट लिखा इस फैसले में। वो नोट वो ये है कि मैं इसलिए इख्तलाफ कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी को या आप कुछ चैलेंज करने के बराबर है, क्योंकि 24 करोड़ लोग जो जिनके नुमाइंदे आते हैं पार्लियामेंट में, तो उन्होंने जो फैसला किया तो अदालत को उस कानून को रिवर्ट नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने नोट लिखा, ठीक है। तो अच्छा, वो जज साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि ये जो पार्लियामेंट है जिसका आप बता रहे हैं, ये तो लॉ लोगों के लिए बनाएगी। मुझे आज तक समझ नहीं आई इस नैब लॉ से मुझे क्या और आपको क्या फायदा मिला। मैं आपसे ये बात करूं, चले हमें तो चलो चले हमें तो नहीं मिलता, हमें पैसे का हाँ वही कह रहे हैं, उस लॉ से क्या फायदा, 70 साल में जो उसके क्या फायदा मिला, जो हमारे लिए बने हैं, हमें उस लॉ से कोई फायदा नहीं मिला। फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो आगे वाले फायदा दूर की बात है। तो उस लॉ में जो उन्होंने बनाया था, उसमें ये था कि 20 करोड़ से जो कम करप्शन करेंगे ना, वो करप्शन नहीं होगी। आप चोरी कर लें, आप डाका मार लें, आप बुल को बेच दें, आप कुछ भी करें, अगर आपके पैसे 20 करोड़ से कम है तो आप ईमानदार, आप पे कोई नैप का केस नहीं बनेगा, करप्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। ये उनके फैसले थे, ये आपकी पार्लियामेंट ने कानून, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था कि 20 करोड़ से कम जो करप्शन करेगा उस पर कोई केस नहीं बनेगा नैब से, ठीक है। तो अब जो आपकी पार्लियामेंट है, जिसको जज साहब ने कहा कि ये बड़ी आपकी एक वैल्यू रखती है, तो मुझे ये बताएं कि वो जो वैल्यू रखती है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो उसमें ये एक जमहूरियत का सबूत होती है कि भाई इसकी पार्लियामेंट की एक सुपरमेसी है, इसकी वैल्यू है। आपकी कंट्री में, आपकी पार्लियामेंट में 24 करोड़ लोगों ने, जिन लोगों को वोट दे के पार्टी में जिस पार्टी को वहां बिठाया था, और एक फेडरल में नहीं, 3 सूबों में बिठाया था, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और फेडरल में, केपी के, कश्मीर में भी, केपी के में भी, ठीक है। तो अब वहां पे आप उनको निकालते हैं बाहर, जो मेजोरिटी आती है, जमहूरियत का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी, ठीक है। और वहां पे आप जिसके पास, आपके पास 1 सीट है, मेरे पास 2 सीटें, एक के पास 3 है, एक के पास 4 है, सब ने मिलकर 16 पार्टियां इकट्ठी हुई और एक गवर्नमेंट बना ली। उस गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, मुल्क को चलाना। उन्होंने क्या किया, अपने ये कानून पास कराया कि हम पे जो केस बने हुए हैं, हमारी जान छूटे, आवाम जाने, आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो देखी जाएगी। तो अभी मुझे समझ नहीं आती कि जज साहब ने ऐसा क्या इस फैसले में क्यों लिखा है कि आपकी अदालत को चैलेंज करना चाहिए। कि बस देखेंगे दानियल, इस मुल्क में वही सर्वाइव करता है जो पावर हाउसेस के साथ जुड़ा रहता है, जिसे हम मालशिये कहते हैं। तो मुझे ये जो इख्तलाफ, मुझे ये इख्तलाफी नोट एक मालिश लगती है, क्योंकि जहाँ एक, आपको याद हो इमरान रियाज को एक बंदा होता था, एक ह्यूमन राइट्स होते थे, वो बंदा गायब है, उस जज को वो नज़र नहीं आ रहा। मीडिया भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सतून है और सबसे बड़ा सतून है, जो तीनों ट्राइकोटमी ऑफ पावर के दरमियान एक, आप कह लें कि स्टेबिलिटी रखता है, ठीक है। उस मीडिया का आज क्या हाल हो रहा है, और एक वो मीडिया था जो आज 16 महीने पहले लोगों के मुंह में माइक दे देता था, हलक में घुसाता था भैया, महंगाई महंगाई, तो अब वो मीडिया भी आप देखें क्या कर रहा है। तो एक से बढ़कर एक मालशी इस मुल्क में पाए जाते हैं। कुछ देर पहले कोई एक मालिश कर रहा था, उसने कहा चलो जाते जाते हम भी कर लें। तो दानियल, इसमें आप और मेरे जैसा बंदा मालिश करके भी कुछ नहीं लेता, क्यों? क्योंकि हम उनको कुछ रिटर्न नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल उन्हीं लोगों का है
जो ऐसे नोट लिखते हैं। मैं आपने तो बात एंड पे सही बात की है वैसे, बट मैं ये कहूँगा हमें तो चलो फायदा हो नुकसान हो, हमें तो कुछ नहीं मिलना इस चीज़ से। हमें ये है या एटलीस्ट मुझे ये सुकून है कि जिन लोगों ने पिछले 16 महीने में जो हमारे साथ किया है, रोज टेंशन महंगाई की, पेट्रोल की, बिजली की, गैस की, पानी की, यू नेम इट, ठीक है, अब उनको ये है रात नींद उनको भी नहीं आएगी, उनको ही पता है कि गवर्नमेंट क्या पता, जिसकी भी आए अब एटलीस्ट उनको भी ये सब कुछ टेंशन होगी। जितनी पार्टियां थी, 16 पार्टियां थी जिन लोगों ने अपने आप पे केस माफ कराए कि हम पे भी दोबारा केस खुल गए, हम दोबारा करप्ट हो गए, हम दोबारा चलो मुजरिम नहीं मुलजिम तो हम हो गए, पहले तो मुलजिम इल्ज़ाम ही ख़त्म हो गए थे, और ये रात को सोएंगे सुकून से नहीं। जैसे पहले कभी कोई बीमार हो रहा था, जैसे आपने बताया कि कभी कोई एयरपोर्ट से मिलेगा, कोई मिलेगा सप्ताह से शहद की बोतल के साथ, ठीक है, कोई आपको मिलेगा ECL से नाम निकलवाता हुआ, कोई आपको मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, कोई बोलेगा सच्ची यारी सब पे बारी, कोई आपको मिलेगा कि वोट को इज्जत दो, बस